What's up guys, this is Guru Man. काफी टाइम के बाद मेरी ये दूसरी वीडियो है और आपके लिए वीडियोस बैक टू बैक चलती रहेगी। आज जो वीडियो है उसके अंदर मैं कवर करने जा रहा हूं मेरा कटिंग का सप्लीमेंट कौन सा है, स्टैक कौन सा है, और बल्किंग या गेनिंग के दौरान कौन सा सप्लीमेंट का स्टैक ऐड करता हूं, और जनरली जब मेंटेन करता हूं जो कि सारा साल रखता हूं मैं, उस पर मैं क्या कौन सा सप्लीमेंट ऐड करता हूं। इससे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी है, जिसको बोलते हैं फाउंडेशंस एंड पिलर्स। समझ गए आप? न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपकी न्यूट्रिशन सही होनी चाहिए। ये स्टैक वैक काम नहीं करते जब तक आपकी फाउंडेशन सॉलिड नहीं हो। जो बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस लोग हैं, जो और आगे जाना चाहते हैं या अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो ये वीडियो में आपको एक यहां से मैं मैसेज पहले ये देना चाहता हूं कि क्या आपकी न्यूट्रिशन सही है, क्या आप सही न्यूट्रिशन ले पा रहे हैं, फूड आपका सही है। ये सबसे पहला की पॉइंट है। मतलब है कि जिस बिल्डिंग को आप खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी गोल्स है लाइफ के अंदर, फिटनेस के आगे ऊपर तक पहुंचने का जो गोल है आपका, अपने आप को बेस्ट देखने में फाइनेंशियल और फिजिकल वाइज, जिसको चीज को आप देख रहे हैं उसकी शुरुआत नीचे से होती है। इसका मतलब आपको नीचे जाना पड़ेगा। जो फाउंडेशन है आपकी वो ज्यादा सॉलिड चाहिए। तो वो कहां से होती है? आपका फूड, रियल फूड जो आपके किचन के अंदर है, जो आपके घर के अंदर बनता है, उस पर आपने फोकस करना है। जब आपकी फाउंडेशन सॉलिड है तब आप बिल्डिंग जितनी मर्जी ऊपर खड़ी कर लो। जब तक आपकी नी कमजोर होगी तो आपको मालूम है कि आप एक दो माले से ऊपर जाना आपके लिए मुश्किल होगा। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है लेकिन फाउंडेशन सॉलिड नहीं है। लेट्स फिक्स द फाउंडेशन फर्स्ट, उसके बाद ये वीडियो आपको काम आएगी। देखिए, ये मेरा सप्लीमेंट में आपको स्टैक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आपने कौन सा यूज करना है मैंने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है। न्यूट्रिशन सही करें अपनी, वर्कआउट रूटीन आपका ठीक हो, आपकी रेस्ट प्रॉपर हो। जब तीन चीजें आपके पास है तो आपकी फाउंडेशन ऑल सेट। नाउ टाइम टू एड ऑन। तो सबसे पहले फैट लॉस के लिए मेरे पास कौन सा सप्लीमेंट है? जब मैं मेरे इस सप्लीमेंट की क्लोजेट के अंदर, ऑफ कोर्स सबसे पहले वे प्रोटीन आइसोलेट। जब कटिंग की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि हमें आइसोलेट की जरूरत है। डोंट वरी अबाउट द ब्रांड, लेट मी टेल यू, ये मेरा अपना ब्रांड है और मेरे पास अपने ब्रांड के 80% से ज्यादा सप्लीमेंट्स है यहां पर। तो ऑफ कोर्स आपको यही दिखाना पड़ेगा, बट यहां पर ब्रांड आप अपनी मर्जी, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग और बजट के अकॉर्डिंग ही बाय करें। ठीक है, मैं यहां पर आपको इंग्रेडिएंट्स की बात करूंगा, ना कि ब्रांड की। ठीक है, तो वे प्रोटीन आइसोलेट आपको चाहिए जो कटिंग के दौरान आपने इस्तेमाल करना है। लैक्टोज फ्री, शुगर फ्री, कार्ब फ्री, फैट फ्री, एंड दैट्स व्हाट यू नीड। जब बहुत ही कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन में हो और आप यू ओनली गेटिंग हाई क्वालिटी प्रोटीन, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट यू नीड। इसके साथ जब हम सप्लीमेंट ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें एक बीसीए मेरे पास है। बीसीए फ्लेवर्ड की जगह आप कोशिश करें कि अगर बीसीए अगर जैसे मार्केट में फ्लेवर मिलता है तो उसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा है, तो कटिंग की बात कर रहे हैं तो शुगर कट करना है, तो ध्यान रखें बीसीएस ऐड करें। 2:1:1 रेशियो, 4:1 रेशियो, 5:1:1 रेशियो, यू कैन गो हायर, देयर इज नो इशू, क्योंकि यू नीड मोर ल्यूसीन एट दैट टाइम। तो ये बीसीए सेकंड मेरे सप्लीमेंट में जाएगा और जिसमें जाता है जब मैं कटिंग करता हूं। थर्ड सप्लीमेंट में यहां पर मेरे पास है कार्निटीन, एल कार्निटीन। ऑफकोर्स जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो मैं एक्सरसाइज करने से पहले लगभग 500 मिलीग्राम लेता हूं कार्निटीन, और एक्सरसाइज के बाद 500 मिलीग्राम लेता हूं या 1000 मिलीग्राम एक्सरसाइज से पहले। कार्निटीन आपको मालूम है इट हेल्प्स, क्या करती है आपके फैट को फ्यूल में कन्वर्ट करने में मदद करती है। जब आपकी कैलोरीज कम है, आपने कार्ब कम किए हुए हैं, तो ऑफकोर्स आपको मालूम है जब कार्ब्स कम है तो आपका बॉडी के अंदर जो फैट है वो क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। फैट क्या होती है? स्टोर्ड हुई एनर्जी, उसको ब्रेक कर फ्यूल में कन्वर्ट करने में कार्निटीन हेल्प करती है। और ये ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं मैं कार्निटीन यूज का। बहुत ही चीप है, किसी भी ब्रांड का आप बाय कर सकते हैं, लेकिन दिस इज वेरी, ये सारा साल चलने वाला सप्लीमेंट नहीं है मेरा, क्योंकि सारा साल कौन फैट लॉस करता है? कोई नहीं। आप सर्टन आपके फोटोशूट होते हैं, कंपीट करते हैं, कोई डेडलाइंस है, आप यू वांट टू लुक गुड दैट डे एंड यू कटिंग डाउन, तो उसमें ऐड कर सकते हैं। सारा साल करने की जरूरत नहीं, सारा साल का मतलब है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर न्यूट्रिशन बेसिकली। तो ये आपने एक दो महीने ऐड किया फैट लॉस में, 3 महीने ऐड किया, उसके बाद आपने जरूरत नहीं आपको। ये तीन सप्लीमेंट जरूरी है, बीसीएज, वे प्रोटीन आइसोलेट,
कार्निटीन, इसके साथ जो हैंडी सप्लीमेंट है, जैसे मैं ऐड करना चाहूंगा ये फैट लॉस करें या ना करें, वाइटैलिटी के हैं, जैसे फिश ऑयल आपके दिल और दिमाग के लिए, यू नो DHA EPA आपको जरूरी है, तो फिश ऑयल। दूसरा है मल्टीविटामिन। जी हाँ, आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो डाइट से स्किप हो रहे हैं, स्पेशली फैट लॉस में रिस्ट्रिक्शन है डाइट के ऊपर, सो यू नीड मल्टीविटामिन। और ये मल्टीविटामिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तब भी आपको मल्टीविटामिन। सो ये मल्टीविटामिन और फिश ऑयल ऐसे दो सप्लीमेंट है जिसको आप किसी भी स्टैक में ऐड कर लो, वर्कआउट कैटेगरी, नॉन वर्कआउट कैटेगरी। सो दिस इज काइंड ऑफ एडिशनल एड ऑन, एंड ये आपकी वेल बींग ओवरऑल आपके अंदर के सिस्टम के लिए, खासकर दिल दिमाग और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो आपको डाइट से नहीं मिल पाते फैट लॉस में, और ये परफॉर्मेंस में आ जाएगा। अब बात करते हैं गेनिंग की। गेनिंग के अंदर आप आइसोलेट यूज कर सकते हैं, यस, बट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। हाउ अबाउट एडिंग समथिंग विच इज कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट ब्लेंड। अगेन मेरे पास यही ब्रांड है, आई एम सॉरी, मैंने बहुत ऑन यूज किया है, पिछले 2 साल से मैं अपने ब्रांड का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3 साल से मेरी अपनी ब्रांड की कंपनी चल रही है, तो ऑफकोर्स जब घर का हो तो घर के अंदर हो तो बाहर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे, लेकिन मेरे पास अभी बस, अब देखिए मेरे पास डायमंडाइज पड़ा हुआ है, एक दो और सब वेगा ब्रांड पड़ा हुआ है, और क्या पड़ा हुआ मेरे पास, आई हैव फ्यू अदर सप्लीमेंट्स जो US के ब्रांड है, मसल मिल्क पड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि इसको सप्लीमेंट्स है जो मैं फ्लेवर्स पर, मैं कभी कभी मैं बोर होता हूँ चॉकलेट से, हालांकि चॉकलेट मैं सारा सारा साल यूज करता हूँ, बट मेरे पास दूसरे फ्लेवर्स है, उसमें क्या होता है कि वनीला एंड स्ट्रॉबेरी, तो चेंज करने के लिए, बाकी यू नो जब भी मेरा अपना स्टॉक खत्म हो जाए तब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो बेसिकली डोंट वरी अबाउट द ब्रांड्स, एनी ब्रांड यू कैन ऐड। तो गेनिंग में क्या कर रहा हूँ, अपने ब्लेंडर कॉन्सेंट्रेट को कंबाइन किया, उसमें क्या हो गया, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसमें आपको आपकी प्रोटीन क्वालिटी उतनी नहीं खराब होगी, क्योंकि इसके अंदर, जी हाँ, थोड़ा लैक्टोज होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेट है, थोड़ा सा फैट होगा शायद 1 ग्राम, वो भी नाम आता है, क्योंकि गेनिंग में आपको 1-2 ग्राम का फर्क, 10-20 तक कोई फर्क नहीं पड़ता, और थोड़ा सा इसके अंदर कार्ब होगी, अगेन एक्सेप्टेबल, यू नीड कार्ब टू गेन। कहने का मतलब है कि गेनिंग में अंदर आपको अगर कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट के ब्लेंड के अंदर, जैसे ऑन है और वहाँ मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा ब्लेंडेड प्रोटीन बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर, सो एनी ब्लेंडर गुड क्वालिटी प्रोटीन कैन वर्क। इसके साथ आपने BCA ऐड कर लिया गेनिंग में, ठीक है जी, 2 आपके सप्लीमेंट हो गए, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट का ब्लेंड, दूसरा आपके साथ हो गया BCA, तीसरा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो कि मैं तो ऐड करता हूं जब भी मेरा गोल, अभी लॉकडाउन खत्म हुआ और आई एम ट्राइंग टू ऐड कि 3-4-5 pounds गेन करूं अगले 4-5 हफ्ते के अंदर, तो जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मेरे पास, आप ले सकते हैं क्रिएटिन HCL ले सकते हैं, क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन ले सकते हैं, क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाता है, ये डिजॉल्व उतनी जल्दी नहीं होता पानी में, आई डोंट केयर अबाउट डिजॉल्व, मैं तो पहले भी एक्सरसाइज से 40-45 मिनट पहले लेता हूं, तो डिजॉल्व हो ना हो अंदर जाकर डिजॉल्व होगा, दैट इज व्हाट यू नीड, ठीक है ना, पानी के अंदर डिजॉल्व होना इज क्विकली, यू नीड क्विकली इन योर सिस्टम विद इन फ्यू मिनट्स एंड देन यू ट्रेनिंग। सो जैसे मेरी ट्रेनिंग 30 मिनट पहले ही ऐड करता हूँ, एज अ प्री वर्कआउट हो गया आपका एक कॉम्बिनेशन। सो BCA क्रिएटिन ब्लेंड और उसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये मैं तब ऐड कर रहा हूँ, आपको मालूम है कि ये सप्लीमेंट्स आर सब एड ऑन, 90% 80% जो गेम है वो फूड की है, तो जब हैवी ओट्स, ब्राउन राइस, पास्ता, रोटी, खिनवा जैसे हैवी मील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं दिन के अंदर आप, तो ये ना हो कि ब्लोटर महसूस करें, ये ना हो कि फूड ब्रेक डाउन ना हो और नेक्स्ट मील आने वाली है और अभी तक फूड पचा नहीं, उस चीज से बचने के लिए कभी कभी जब मैं 6 मील्स फूड की हैवी ऐड कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि देर विल बी अ टाइम जब मुझे लगेगा यार, यानी मुझे मील आधा घंटा आगे करनी पड़ेगी, क्यों, फूड अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और उस दौरान मैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इस्तेमाल करता हूं, और ये सारा साल वाला सिस्टम नहीं है, ये बेयरली 1-2 महीने में यूज करता हूं, बिकॉज मेरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब मैं ऐड करता हूं, आई शूट 4000 calories समटाइम एंड आई थिंक आई नीड डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि मेरे प्रोटीन कार्ब फैट को ब्रेक कर पाए मेरे एनी ब्रांड, और अगर आप नहीं भी ऐड करेंगे देयर इज नो इशू, अगेन वो तभी आपने ऐड करना जब आपको लगता है कि आपकी डाइजेशन में इशू हो रहा है। सो इस वीडियो के अंदर मेरा है कि व्हाट आई यूज, सो आपको क्या करना है, जस्ट मेक श्योर फाउंडेशन एंड देन यू कैन ऐड सम एसेंशियल सप्लीमेंट्स बेस्ड ऑन योर गोल, मेंटेनिंग और बल्कअप और कटिंग। टेक केयर, लव यू, गुरुमान।